गेहूं और मक्का की कीमतों में बन सकती है तेजी। जी हाँ, गेहूं और मक्का की आवक फिलहाल कमजोर बताई जा रही है। आवक मंडियों में फिलहाल 1,000 बोरी से ऊपर देखने को मिल रही है। सप्ताह के पहले दिन की इस गिरावट के बावजूद माना जा रहा है कि गेहूं और मक्के में फिलहाल मंदी की धारणा नहीं है। आपको बता दें कि देश में पहले से ही गेहूं का भंडार काफी कमजोर है और उधर बुआई जोरों पर है और मंडियों में आवक कमजोर बनी हुई है। दरअसल रबी में गेहूं की बुआई इस साल 10% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अक्टूबर में ही गेहूं बुआई का आंकड़ा 5 मिलियन हेक्टेयर के पार जाने के आसार हैं। मांग और कमजोर आवक को देखते हुए व्यापारियों का कहना है कि गेहूं में अब बाजार 100 से 150 रुपए ऊपर नीचे कर सकता है। फिलहाल इससे ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि आगे आवक अगर कमजोर होती है तो दाम और बढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। मक्का में भी खरीदारी घटने से मंडियों में भाव 2100 रुपए तक पहुंच चुके हैं और स्टॉकिस्ट काफी सक्रिय दिखाई दिए हैं। किसान भी कमजोर दामों पर फिलहाल मक्का और गेहूं बेचने पर राजी नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मक्का में भी आगे चलकर तेजी बन सकती है और गेहूं की कीमतें आगे तेजी के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।